नमस्कार दोस्तों, ये आलेखों से परिचय पाठ का दूसरा भाग है। तो पहले भाग में हमने ये सब पढ़ा था, हमने आलेखों के उपयोग पढ़े थे और हमने कई अलग अलग आलेखों की बात की थी, जैसे दंडा आलेख, वृत्त आलेख, रेखा आलेख। और ये हमारी विषय सूची है, हम इस वीडियो में ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पुनरावृत्ति के लिए एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ मैंने एक मरीज का हर घंटे तापमान दिखाया है, ये एक रेखा आलेख है। यहाँ एक्स अक्ष पर मैंने घंटों का प्रतिनिधित्व किया है और वाई अक्ष पर मैंने तापमान का प्रतिनिधित्व किया है। ये मेरा पैमाना है, वाई अक्ष पे एक मात्रक 1 डिग्री सेल्सियस है और एक्स अक्ष पे एक मात्रक 1 घंटा है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 10 बजे रोगी का तापमान क्या था। तो वो देखने के लिए हम एक्स एक्सिस पर 10 बजे पहले ढूंढते हैं और जो यहाँ है, और फिर हम यहाँ से रेखा खींचते हैं और ये रेखा इस बिंदु पे आके पहुंचती है और 10 बजे तापमान 39 है था ये समझ जाता है। दूसरा प्रश्न है, रोगी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस कब था। तो हम अभी भी वही करेंगे, 37 रेखा आलेख पर यहाँ है और यहां से एक सीधी रेखा खींचने पर हमें समझ जाता है कि 11 बजे रोगी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। यहां मैंने हर साल दो वस्तुओं की कीमत का रेखा आलेख बनाया है। वस्तु अ को नीले रंग से दिखाया गया है और वस्तु ब को हरे रंग से। ये पैमाना है, एक्स अक्ष पे एक मात्रक 1 साल दर्शाता है और वाई अक्ष पे एक मात्रक 10 रुपए दर्शाता है। पहला प्रश्न है, मूल्यों के बीच का अंतर ज्यादा से ज्यादा कब था। तो ये तो हम देख के ही बता सकते हैं कि मूल्यों के बीच का अंतर ज्यादा से ज्यादा यहाँ है और ये 2005 साल है। तो मूल्यों के बीच का अंतर ज्यादा से ज्यादा 2005 में था। और दूसरा प्रश्न है, मूल्यों के बीच का अंतर 10 रुपए कब था। तो अगर हम रेखा आलेख को ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि अंतर 10 रुपए 2003 में था। तो चलिए एक नए प्रकार के आलेख के बारे में बात करते हैं, जो है रैखिक आलेख। आपको याद होगा कि रेखा आलेख अलग अलग बिंदुओं को मिलाकर बना था, रैखिक आलेख अलग अलग रेखा खंडों को मिलाकर बनता है और कभी कभी ये एक पूरी अखंडित रेखा भी हो सकता है। ये रैखिक आलेख का एक उदाहरण है। तो यदि हमें रैखिक आलेखों के बारे में सीखना है तो हमें ये तो समझना ही होगा कि बिंदुओं का स्थान कैसे दिखाते हैं। तो ये बस मैंने इधर एक बिंदु बनाया है, फिर मैं दो रेखाएं बना रहा हूं। आप समझ ही हो गए रहेंगे कि ये हमारे एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और फिर हम वाई अक्ष से बिंदु की दूरी ढूंढते हैं। मान लीजिए कि ये दूरी 3 मात्रक है, ये बन जाता है हमारा एक्स निर्देशांक यानी एक्स कोऑर्डिनेट। फिर हम एक्स अक्ष से हमारी बिंदु की लंबाई ढूंढते हैं, मान लीजिए कि ये है 2 मात्रक, ये बन जाता है हमारा वाई निर्देशांक यानी वाई कोऑर्डिनेट। और ये एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक से हम बिंदुओं का स्थान समझ सकते हैं। तो चलिए ये बात एक उदाहरण से समझते हैं। ये अलग अलग बिंदुओं के स्थान है और हमें ये बिंदु एक्स वाई प्लेन पर दिखाने हैं। हमारा पहला बिंदु है 1,3, एक्स निर्देशांक है 1, वाई निर्देशांक है 3। तो पहले एक्स निर्देशांक की बात करते हैं, जो है 1। एक्स अक्ष पर यहां 1 है यानी हमारा बिंदु यहां कहीं है। तो और वाई निर्देशांक है 3, वाई अक्ष पर 3 यहां है यानी कि हमारा बिंदु यहां है इधर। फिर दूसरा बिंदु है -3,2, -3 यानी हमारा बिंदु यहां कहीं तो है और इस रेखा पर है और वाई निर्देशांक है 2।
यानी हमारा बिंदु यहां है। फिर अगला है -4,4, तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। x अक्ष पे -4 है यहां और y अक्ष पे -4 यहां है, तो ये हमारा बिंदु है। और चौथा है 2,-4, तो 2 x अक्ष पर यहां है और -4 y अक्ष पर इधर है और यहां हमारा बिंदु। तो ये बात उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ जाती है। तो चलिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बिंदु x अक्ष पर कब दिखेगा। अगर बिंदु x अक्ष पर होगा तो उसी बिंदु की x अक्ष से लंबाई शून्य होगी, और आपको पता ही है कि x अक्ष से लंबाई y निर्देशांक है, यानी बिंदु x अक्ष पर तब दिखेगा जब उसका y निर्देशांक शून्य हो। अब आप ये भी समझ ही सकते होंगे कि बिंदु y अक्ष पर कब दिखेगा। फिर दूसरा प्रश्न है, बिंदु 2, 3 और 3, 2 से गुजरती हुई रेखा खींचिए। तो 2, 3 यहां है और 3, 2 यहां है और उनसे बीच के गुजरती हुई रेखा कुछ ऐसे दिखेगी। फिर उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, तो ये आप यहां लिख सकते हैं 2, 3 और 3, 2, जिन पर यह रेखा x अक्ष और y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। तो ये रेखा x अक्ष पर 5, 0 पे प्रतिच्छेद कर रही है और y अक्ष पर 0, 5 पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो चलिए इसके कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। यहां पर x अक्ष पर मैंने पेट्रोल की मात्रा दिखाई है और y अक्ष पर पेट्रोल की कीमत। अगर हमें ये जानना है कि 300 रुपए में कितना पेट्रोल लिया जा सकता है, तो हम y अक्ष पर 300 ढूंढेंगे, वहां से एक रेखा खींचेंगे, जहां रेखा ये रैखिक आलेख को मिलेगी वहां से एक नीचे रेखा खींचेंगे और इससे पता चल जाता है कि 300 रुपए में 3 लीटर पेट्रोल आ सकता है। यही चीज हम किसी x अक्ष के बिंदु से भी कर सकते हैं। ये प्रश्न मैंने आपकी एनसीईआरटी की किताब से लिया है। आप कृपया ग्राफ बनाकर ये तीनों भी प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। इंग्लिश वोकैबुलरी तो सबकी अच्छी होनी ही चाहिए, इसलिए हम हर वीडियो के अंत में 3 नए इंग्लिश शब्द पढ़ेंगे। पहला शब्द है आर्टिफिस, यानी चालाकी। इसका उदाहरण है, द स्टोरी वॉज जस्ट एन आर्टिफिस टू डिस्ट्रैक्ट अस। दूसरा शब्द है रेमिनिस, इसका अर्थ है अतीत की सुखद बातों की चर्चा करना। और इसका एक उदाहरण है, आफ्टर ग्रेजुएटिंग मी एंड माई फ्रेंड्स रेमिनिस अबाउट आर डेज एवरी डे। तीसरा शब्द है इंडिजिनियस, यानी अपने मूल स्थान में स्थित या स्वदेशी। और इसका उदाहरण है, दिस फूड इज इंडिजिनियस टू इंडिया। तो ये सारांश है, यहां ये पार्ट समाप्त हो गया है। धन्यवाद दोस्तों।